हीरा नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आभूषणों में जड़ा जाने वाला बहुमूल्य धातु का ख्याल हमारे दिमाग में आता है। पर यह हीरा आखिर आता कहाँ से है? तो आज हम जानते हैं कि हीरा की कई खदानें हैं, जिसमें से एक पन्ना है। जी हाँ, पन्ना जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख जिला है। यह जिला प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव अभयारण्यों और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। पन्ना का नाम इसके प्रसिद्ध हीरे की खदान के कारण भी जाना जाता है। पन्ना का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यह क्षेत्र बुंदेला राजा महाराजा छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के प्रमुख योद्धा थे, इन्होंने इस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। अगर पन्ना में हीरा के इतिहास की बात करें तो पन्ना की हीरा खदानों का इतिहास काफी पुराना रहा है। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के समय भी पन्ना की खदानों से हीरा निकाले जाते थे। पन्ना में हीरा का खनन दो प्रकार से होता है, भूमिगत खनन अर्थात भूमि के अंदर से हीरों का खनन होता है, और दूसरा सतही खनन, जिसमें भूमि की ऊपरी सतह पर हीरा खोजकर निकाला जाता है। पन्ना में हीरा ढूंढने के लिए जहां पर कोई भी व्यक्ति ढूंढ सकता है, उसके लिए सरकार छोटे पैमाने पर खनन की अनुमति देती है, जिसे पट्टा कहा जाता है। सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टे के अनुसार आप उस क्षेत्र में हीरे खोजने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर हीरे खनन के लिए 8x8 का पट्टा दिया जाता है, जिसमें उसकी मिट्टी निकालकर उसमें हीरा तलाशा जाता है। यहाँ पर भारत का कोई भी व्यक्ति पन्ना के हीरा कार्यालय जाकर 200 रुपए मामूली शुल्क देकर पट्टा लेकर यहाँ हीरा खनन का कार्य कर सकता है। यहाँ पर देश का एकमात्र हीरा पार्क है, जो खोजे हुए हीरे की कीमत और गुणवत्ता को आंकता है। पर एक सच्चाई यह भी है कि यहाँ पर हीरा ढूंढने वालों में ज्यादातर खाली हाथ ही लौटते हैं। उनमें से कई लोगों को हीरा हाथ लग जाता है, जिनका नाम पन्ना हीरा कार्यालय में दर्ज है, और जिन्हें हीरा मिला है उनकी किस्मत रातों रात बदल गई है और वो रातों रात अमीर हो गए, और जिन्हें हीरा नहीं मिला है वे हीरा मिलने की उम्मीद में लगातार सारी उम्र खपा देते हैं और इसी उम्मीद में हीरा ढूंढते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें हीरा मिलेगा और उनकी किस्मत बदलेगी। हीरा खनन की यही एक सच्चाई है।